मॉनसून है, फॉल, मैं गंजी हो जाऊंगी यार, लिटरली हेयर एवरीवेयर, इलस्ट्रेट मैच नहीं हो रहा यार, रेड के साथ ना चेंज करती हूँ यार, मैं नहीं बोल सकती बाल, मैं अपने बाल बांध रही हूँ, मुझे हो रही है चिप चिप, द ह्यूमिडिटी इज एट पीक। मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसके अंदर मैं टप 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 टप। My name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Welcome back to another episode of Best of Beauty and Skincare. So, मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसके अंदर मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको टॉप पिक्स दिखाऊंगी। मैंने एपिसोड 1 ऑलरेडी लाइव कर दिया है जिसमें मैंने अपने टॉप ब्लशेस की बात करी थी। उसके अंदर मैंने अपने सारे टॉप फेवरेट ब्लशेस दिखाए थे, फ्रॉम पाउडर, लिक्विड, क्रीम, वो सब भी अभी Amazon की सेल पे बहुत अच्छी डील पे अवेलेबल है, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी ब्रांड की जो मेरी फेवरेट है, जब से मैं डर्मेट रिकमेंडेशन ले रही हूँ। शादी से 6 या 7 महीने पहले मैंने अपनी फर्स्ट डर्मेट रिकमेंडेशन ली थी। उस टाइम उन्होंने मुझे बहुत सारे बायोडर्मा के प्रोडक्ट्स रिकमेंड करे थे, काफी सारे मैंने परचेज करे, फिर बायोडर्मा ने मेरे साथ कोलैबोरेट किया, उन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट्स मुझे भेजे, एंड ऑल इन ऑल तब से मेरी एक जर्नी चल रही है कि मुझे बायोडर्मा के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे मैक्सिमम स्किन केयर रूटीन में आपको हेयर एंड देयर बायोडर्मा के प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। सो मुझे लगा अभी Amazon की ग्रेट फ्रीडम डे सेल चल रही है जो 6 से 11 अगस्त तक है, जिसमें आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं। सो उसमें बायोडर्मा के भी काफी प्रोडक्ट्स पे अच्छी डील मिल रही है। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय बायोडर्मा, इट इज इन कोलैबोरेशन विद Amazon। सो सारे जो है वो मेरे पर्सनल पिक्स हैं, मैं सबका एक शॉर्ट रिव्यू भी दे दूंगी और आपको भी पता चल जाएगा कि ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए सही है या फिर नहीं है। सबसे पहला मेरा बायोडर्मा का फेवरेट होने वाला है द OG माइसलर वाटर। इसकी तो मैंने पता नहीं कितनी बॉटल्स एम्प्टी करी है, अगर मैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक कलेक्ट करती ना ऑलमोस्ट 10 बॉटल्स तो शायद हो ही जाती, मिनी वाली, बड़े वाली से और बड़ी वाली। ये जब भी सेल आती है ना Amazon पे मैं रीस्टॉक कर लेती हूँ, ये भी मैंने रिसेंटली रीस्टॉक किया है द स्मॉलर वन। ये ट्रैवलिंग के लिए अच्छा रहता है, फिर कहीं ट्रैवल बैग में डाल लूँ, यू कैन गेट द बिगर वन एज वेल। जो बड़े वाली इसी बॉटल है विच इज फॉर दिस इज 100 ml, इसकी जो सेकंड बड़ी बॉटल आती है वो आती है 250 ml की, वो 20% ऑफ पे अवेलेबल है अभी ग्रेट फ्रीडम सेल पर Amazon की, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट माइसलर वाटर फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लेंस भी कर देता है, सारा मेकअप गंक हटा देता है। मैं तो काफी बार जब मेकअप भी नहीं करती, नॉर्मली जिम से आती हूँ, लगता है बहुत ज्यादा स्वेट है, मैं सीधा फेस वॉश नहीं करती, मैं पहले इससे अपनी स्किन को क्लीन करती हूँ फिर फेस वॉश करती हूँ, सो दैट एक डबल क्लेंजिंग हो जाती है, अच्छे स्किन क्लेंस भी हो जाती है और ऊपर का सारा गंक निकल जाता है। काफी बार तो मैं जिम जाने से पहले भी फेस वॉश नहीं करती, लाइक अगर मैं सुबह नहाई हूँ शाम को मैं जिम जा रही हूँ तो मैं फेस वॉश नहीं करती, मैं खाली क्लेंस करके ऐसे ही चली जाती हूँ, सो दैट स्किन क्लेंस रहेगी। जिम करोगे स्वेटिंग होगी तो आपके पोर्स इतने क्लॉग नहीं होंगे, सो ओवरऑल ये बहुत अच्छा है। काफी सारे माइसलर वाटर मार्केट में आते हैं जिनसे स्किन ग्रीसी हो जाती है, हैवी फील होती है, बट ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसको आप ऐसी वाइप ऑफ करके भी स्किन छोड़ दोगे ना तभी भी आपकी स्किन बहुत सेफ और हेल्दी रहेगी, कुछ भी ग्रीसीनेस नहीं होने वाली। सिंस हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं स्किन केयर का, तो हमने माइसलर वाटर की बात कर ली। स्टेप नंबर 2 ऑफ कोर्स एक फेस वॉश होगा। नाउ माय फेस वॉश रिकमेंडेशन फ्रॉम बायोडर्मा हैज टू बी दिस वन। ये कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, ये मेरे एम्प्टीज के बॉक्स में से मैं निकाल के लेके आई हूँ। दिस इज द ऑटोडर्म इंटेंसिव जेल मूसॉन, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये मेरा सर्दियों का फेवरेट फेस वॉश था। अगर आपकी भी कॉम्बिनेशन स्किन, आप कोई भी फेस वॉश यूज करते हो ऐसे ड्राई हो जाती है, खिंची खिंची लगती है, या फिर सर्दियां जब आएंगी आप कोई अच्छा फेस वॉश ढूंढ रहे हो, ग्रैब दिस वन, ये बहुत अच्छा है। मैं इनिशियली पहले इसको यूज नहीं कर रही थी बिकॉज पे लिखा भी हुआ है दिस इज फॉर वेरी ड्राई इरिटेटेड टू एटोपिक सेंसिटिव स्किन, मतलब या तो ड्राई है स्किन या इरिटेटेड है, आपने कुछ ऐसा यूज कर लिया आपकी स्किन का बैरियर खराब हो गया या फिर सेंसिटिव स्किन है, तो मैं इनिशियली यूज नहीं कर रही थी, बट मैंने विंटर्स में इसको धीरे धीरे यूज करना स्टार्ट किया एंड आई लव्ड इट। बहुत अच्छे स्किन को क्लेंस कर देता है, उसको सुखाता नहीं है, उसके जो ऑयल्स होते हैं ना स्किन के फालतू में ऐसे स्ट्रिप ऑफ नहीं करता। लव दिस वन। एक और वेरियंट आता है बायोडर्मा का फेस वॉश का जो मैं शादी से पहले यूज करती थी, वो तो मैंने बहुत पहले फिनिश ऑफ कर दिया था। ऐसा ब्लू वाला वेरियंट आता है, दिस इज हाउ द ब्लू वन लुक्स लाइक। एंड ये वाला जो है दिस वन इज द CBM जेल मूसॉन, ये भी ये है कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है आई वुड रिकमेंड ग्रैब दिस ब्लू वन, लेकिन अगर आपकी सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन है ये ऑटोटर्म जेल मूसॉन डेफिनेटली ले लो। बायोडर्मा के जो फेस वॉशेज आपको लगे थोड़े प्राइजी हैं, 700-800 में मिल रहा है, बट ट्रस्ट मी लुक एट द क्वांटिटी, इससे आपका पूरा एक सीजन निकल जाता है। सो अगर आप बाकी ब्रांड्स में देख रहे हो 200-400 में इतना सा फेस वॉश मिल रहा हो, बायोडर्मा में आपको 600-700 में इतनी बड़ी ट्यूब मिल रही है ना, आई वुड से ग्रैब दिस वन, ये लंबा भी चलेगा। अगेन दिस इज डर्मेट रिकमेंडेड, काफी सारे डर्मेट यही वाला फेस वॉश रिकमेंड करते हैं ऑयली एक्ने प्रोन स्किन को। क्या हो गया मेरी आवाज को, मैंने ज्यादा ही ठंडा पानी पी लिया। ऑल्सो दिस इज नॉन कॉमन
डर्माटोजेनिक एंड अनफ्रेग्रेंस, तो इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है. तो अगर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, फ्रेग्रेंस पे रिएक्ट हो जाती है, तो डेफिनेटली आप फेस वॉश यूज कर सकते हो. नेक्स्ट अप इज अगेन माय सुपर फेवरेट फेस वॉश. ये कभी डिस्काउंट पे नहीं आता, अभी ये 10% ऑफ में मिल रहा है, तो आई वुड से ले लो बिकॉज ये बहुत अच्छा फेस वॉश है. ये मैं डेली बेसिस पे यूज नहीं करती, लाइक ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, दैट्स इट. अभी मैं परसों एक क्लिनिकल फेशियल कराने गई थी, मैं जरूरी जाती हूँ हमेशा क्लिनिकल फेशियल्स के लिए. उन्होंने स्टेप वन में जब ये यूज किया ना, ऑफकोर्स मेरी आईज क्लोज थी तो मुझे नहीं पता वो क्या प्रोडक्ट यूज करें, बट एज सून एज इट टच्ड माय स्किन और मुझे हल्की सी फ्रेग्रेंस आई तो मैंने बता दी बायोडर्मा का पिगमेंट बायो फेस फोमिंग क्रीम है ना, शी सेड यस हम यही यूज करते हैं. तो डर्मास भी अपनी क्लीनिंग क्लिनिक्स में एज अ स्टेप नंबर वन फॉर क्लेंजिंग योर फेस यही वाला फेस वॉश यूज करते हैं. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अगेन ये भी मैं अपने एम्प्टीज के बॉक्स में से निकाल के लाई हूँ बिकॉज ये पूरा खाली हो चुका है. दिस इज द पिगमेंट बायो फोमिंग क्रीम इसका नाम है, लेकिन ये फेस वॉश है, कन्फ्यूज मत होना, ये क्रीम नहीं है, फेस वॉश है. ये एक्सफोलिएट करता है, इवन आउट करता है स्किन को, एल्यूमिनेट करता है डार्क स्पॉट्स एंड सेंसिटिव स्किन. सो सेंसिटिव स्किन के लिए तो ये बनाया है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन, आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक बहुत ज्यादा है, आपको टैनिंग बहुत ज्यादा हो गई है, या ओवरऑल आपकी स्किन पिगमेंटेड है, काफी लोगों का फोरहेड पिगमेंटेड होता है, चीक्स पे कुछ पिगमेंटेशन होती है, ग्रैब दिस वन. अगर आप पिगमेंटेशन के लिए भी कोई अच्छे डर्मेट के पास जाओगे ना, तो वो भी आपको स्किन केयर रूटीन में यही फेस वॉश रिकमेंड करेगी बिकॉज ये काफी अच्छा है. इसमें बहुत जेंटल और बहुत छोटे छोटे एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स हैं जो शायद कैमरा पे भी नहीं आएंगे, बट जब आप उसको यूज करोगे ना, आपको हल्का हल्का वो फ्रिक्शन फील होगा, बट दे आर सेफ फॉर योर स्किन. वो स्क्रब वाले पार्टिकल नहीं है जो आपकी स्किन को ऐसे हार्श बना देते हैं, फिर ऐसा लगता है आप क्या रब कर रहे हो. वेरी वेरी जेंटल, काफी जेंटली आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड, जो भी आपको इश्यू है वो क्लीन कर देता है. सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये स्टील डील है बिकॉज इसको आपको रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करना होता, थ्राइज अ वीक मैक्सिमम, और उसके अकॉर्डिंग ये पूरे साल चलता है. सो द क्वांटिटी फॉर द प्राइस पॉइंट इज जस्ट वर्थ इट. नेक्स्ट अप इज माय फेवरेट मॉइस्चराइजर, जो मैं अमेज़न से पता नहीं कितनी बार परचेज कर चुकी हूँ. मेरी ऑर्डर हिस्ट्री में 3 से 4 बार तो होगा ही होगा बिकॉज अमेज़न पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे मिल जाता है, अदरवाइज सीबीएम हाइड्रा पे कभी डिस्काउंट नहीं आता किसी भी वेबसाइट पे. दिस इज द बायोडर्मा सीबीएम हाइड्रा, एक्ने प्रोन स्किन के लिए बनी है, अल्ट्रा ड्राई ड्यू टू ट्रीटमेंट्स. मतलब लाइफ की पहली क्रीम है जो इन्होंने एक पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से बनाई है. अदरवाइज आपको क्रीम कैसे मिलती है, ऑयली स्किन के लिए बनी है, ड्राई स्किन के लिए बनी है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बनी है, बट ये जो क्रीम है इन्होंने एक पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से बनाई है कि अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, आपने कोई ट्रीटमेंट कराई है, काफी बार आप डर्मेट के पास जाते हो, आपको ट्रेटिनोइन दे देते हैं, कोई जेल दे देते हैं, या फिर खाने को सॉर्ट्रेट दे देते हैं, जो बेसिकली मेडिसिन होती है जिससे आपकी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, तभी एक्ने आने बंद हो जाते हैं. मैंने अपनी शादी के लिए सॉर्ट्रेट ली थी सो दैट स्किन अच्छे से ड्राई हो जाए, एक्ने उस टाइम ना हो, सो दैट शादी भी एकदम स्किन अच्छी क्लीन दिखे. तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी ऑयली स्किन भी इतनी ड्राई हो जाती है कि ऐसा लगता है कि यार आप मुंह नहीं खोल पाते, यहाँ पे ड्राइनेस फील होती है. या फिर आपने कोई क्लिनिकल फेशियल कराया और आप 2 या 3 दिन तक अच्छा नरिशिंग मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो, देन दिस इज द वन. मेरी डर्मेट भी मुझे यही यूज करने को बोलती है. मैंने परसों क्लिनिकल फेशियल लिया था और मैं 2 दिन से रात को यही मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ. ये गर्मियों के लिए अभी मॉनसून के हिसाब से ग्रीसी है, आई वुड एक्सेप्ट, ये डेली बेसिस वाला मॉइस्चराइजर नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन या सर्कमस्टांस में जब आपकी एक्ने प्रोन स्किन बहुत ज्यादा सूख जाती है, तब आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो. इसलिए मैं हमेशा इसका स्टॉक अपने पास रखती हूँ कि चाहे यूज भी ना करना हो, कभी कभी लगे स्किन सूख रही है, तो मैं इसको इंस्टेंटली मेकअप लगाने से पहले भी यूज कर लेती हूँ. नेक्स्ट अप इज माई फेवरेट सनस्क्रीन, जो अगेन मैं बहुत बार रीस्टॉक कर चुकी हूँ अमेज़न से ही. ये तो मैंने शादी के टाइम कॉन्स्टेंटली यूज करी थी बिकॉज उस टाइम क्लिनिकल फेशियल चल रहे थे. मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि यार मैं अगर कुछ यूज कर लूँगी मेरी स्किन क्लॉग हो जाएगी या फिर एक्ने हो सकते हैं, तो मैं बिल्कुल सेफ प्ले करती थी. तब जो डर्मेट ने बोला खाली वही यूज करती थी. तो मेरी डर्मेट ने यही सनस्क्रीन अप्रूव करी थी बिकॉज काफी बार जब कहीं बाहर जाना है तो मुझे हल्का फुल्का कवरेज भी चाहिए, तो ये टिंटेड सनस्क्रीन है, सो सॉर्ट ऑफ एक बीबी क्रीम का भी काम करती है. दिस इज द बायोडर्मा फोटोडर्म एक्वा फ्लूइड सनस्क्रीन. यू कैन सी फ्रॉम द पैकेजिंग काफी निचोड़ दिया मैंने ये. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ बायोडर्मा में ना 2 तरह की सनस्क्रीन आती है, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होना. इसका नाम है फोटोडर्म एक्वा फ्लूइड. एक्वा फ्लूइड मतलब ये ऑयली स्किन के लिए बनी है, ये वाटर बेस्ड है, ये पतली है, ये ऑयली स्किन के लिए हैवी नहीं फील होगी. और एक आती है फोटोडर्म क्रेम. मैं आपको पैकेजिंग भी दिखा देती हूँ अमेजोन पे. फोटोडर्म क्रेम पे बहुत अच्छा डिस्काउंट है, मैं नीचे लिंक करती हूँ, अगर आपको लेनी है वो भी ले सकते हो अगर आपकी ड्राई स्किन है. सो दिस इज फोटोडर्म क्रेम. कैन यू सी यहाँ पे क्रेम लिखा हुआ है. तो ये जो है ये ड्राई स्किन के लिए है, ये नरिशमेंट ज्यादा देती है, हैवी होती है. ये वाली पर्टिकुलर जो क्रेम है मेरे पास रखी हुई है, मैं इसको विंटर्स में यूज करना प्रेफर करती हूँ बिकॉज विंटर्स में स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है. बट फॉर ऑयली स्किन एंड इन समर्स ये एक्वा फ्लूइड बहुत अच्छी है. अगर ये है तो मैं आपको थोड़ा स्वॉच करके दिखा देती हूँ. दिस इज SPF 50 विद PA 4x+. मेरा जो शेड है वो है क्लियर लाइट. इसके अंदर शेड्स आते हैं अलग अलग, तो क्लियर लाइट इज अ शेड जो मैं यूज करती हूँ अपने ऊपर. UVA UVB प्रोटेक्शन देती है, मॉइस्चराइजिंग है, अल्ट्रा लाइट इसका टेक्सचर है, ड्राई टच इसकी फिनिश है, मल्टी रेजिस्टेंट एंड आईज के लिए भी सेफ है. काफी लड़कियां कहती है ना, हमने वो सनस्क्रीन यूज करी, हमें आंखों में से आंसू आने लगे, हमारे
हमारी आईज बर्न हो गई, देन मोस्ट प्रोबेबली आपकी आई सेंसिटिव है और वो सनस्क्रीन आपकी आईज को स्टिंग कर रही है. तो उस केस में आप ये यूज कर सकते हो बिकॉज बायोडर्मा इज वेरी सेफ. कैन यू सी फ्रॉम द हालत, आई लव दिस नॉजल पैकेजिंग बिकॉज एकदम अच्छे से इसमें प्रोडक्ट डिस्पेंस होता है. लाइक लुक एट दिस, ये कहीं से भी सनस्क्रीन नहीं लग रही. इट इज वेरी लाइट, इट लिटरली फील्स लाइक अ बीबी क्रीम और ये फेस पे बहुत अच्छी फिनिश देती है. अगर आप और वार्मिश स्किन टोन के हो तो आप इसका एक और शेड ले सकते हो, वो थोड़ा सा डार्कर में आता है, बट आई यूज दिस वन, वेरी वेरी नाइस. अगेन डर्मैट रिकमेंडेड. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट जो लिटरली मैं अपने घर से लेके आई हूँ बिकॉज ये एम्प्टी हो गया था वहाँ पर ही, शादी से पहले मैंने ऑलमोस्ट ये खत्म कर दिया था और मैं ले आई कि चलो अपने एम्प्टीज वीडियो में भी फीचर कर दूंगी. दिस इज द बायोडर्मा CBM नाइट पील, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये भी मेरी डर्मैट ने शादी से पहले मुझे रिकमेंड किया था, मैंने उनको बोला था मुझे कुछ एक्सफोलिएशन के लिए दो बिकॉज मैं जो क्लिनिकल फेशियल है ये ऐसे रेगुलरली लेती हूँ, हर मंथ लेती हूँ नहीं. लाइक मैंने शादी के टाइम दो फेशियल लिए थे, अभी मैंने शादी के एक साल बाद जाके एक फेब में लिया और एक अब लिया, तो मतलब वंस इन सिक्स मंथ्स कुछ ऐसा करके मैं फेशियल्स लेती थी. तो ये काफी अच्छा एक एट होम एक्सफोलिएटर काम करता है, जैसे हम AHA BHA पील्स यूज करते हैं ना ऑर्डनरी की, डर्मा को की, बहुत सारी ब्रांड्स की आती है. ये बायोडर्मा की अपनी एक सॉर्ट ऑफ पील आप बोल सकते हो. इसका नाम है CBM नाइट पील, स्मूथनिंग कंसेंट्रेट कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए बनी है विद ब्लेमिशेस. तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपको एक्ने के मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, आपको एक्ने भी है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो. ब्लेमिशेस पे ज्यादा अच्छा वर्क करती है एज कम्पेयर टू एक्ने बिकॉज इसमें सैल्सिलिक एसिड नहीं है, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है. सो ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जो भी एक्ने मार्क्स होते हैं, दाग होते हैं, फिर कुछ कुछ माइल्ड स्कारिंग होती है, उसको हील करने में हेल्प करता है. सो ये बेसिकली एक जेल बेस्ड प्रोडक्ट है. अब तो आगे से पूरा खराब हो गया बिकॉज बहुत टाइम से ऐसे ही रखा था, थोड़ा ऑक्सीडाइज भी हो गया. इसका ऐसा कलर नहीं है, इसका एक ट्रांसपेरेंट कलर था, व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट जेल है. आई एम नॉट कीपिंग इट ऑन माई स्किन फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज काफी पुराना हो गया. आई एम जस्ट रिकमेंडिंग टू यू गाइज. सो ये व्हाइट कलर का एक ट्रांसपेरेंट जेल लाइक होता है, इसको हल्का हल्का पतली लेयर में ऑन ड्राई स्किन फेस वॉश किया, अच्छे से अपनी स्किन को अच्छे सुखा लिया, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए स्किन पे, फिर इसकी पतली लेयर लगानी है अपने पूरे फेस पे, माउथ के आसपास, अंडर आइज पे मत लगाना, अच्छे से लगाई एंड दैट्स इट. ये एक नाइट पील है जिसको आपको ओवरनाइट लगाना होता है. फर्स्ट टाइम यूज करोगे हल्की फुल्की आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील होगी बिकॉज ये पील का काम करता है, एक तरह से एक्सफोलिएट करता है. आपकी स्किन पील नहीं होगी, डरो मत, वो पीलिंग वाली स्किन नहीं है, एक एक्सफोलिएटिंग पील आप उसको बोल सकते हो. ऊपर की जो डेड स्किन होती है उसको हटा देता है. सो इट्स नाइस. ये मेरी डर्मैट ने इसलिए दिया था कि शादी आने वाली थी, आपको ऑल्टरनेट डेज पे एक्सफोलिएशन करना ताकि आपकी स्किन की डेड स्किन सेल्स हटती रहे. ये थे मेरे टॉप पिक्स फ्रॉम बायोडर्मा. इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करे हैं लेकिन अभी मेरे पास है नहीं वो दिखाने को और मैं अननेसेसरी वीडियो को लंबा नहीं करूंगी. ये जो पूरी सीरीज है ना मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखूंगी, ओनली टॉप पिक्स ही आपको बताऊंगी जो मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट है. आप पुरानी वाली सीरीज भी जाके देख सकते हो, मैं इसकी पूरी एक अलग प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ सो दैट यू कैन वॉच इट इन फ्यूचर एज वेल. ये था एपिसोड 2 ऑफ माई टॉप पिक्स बायोडर्मा एडिशन. लेट मी नो आप फ्यूचर में किसका टॉप पिक्स देखना चाहते हो, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना. किसी पर्टिकुलर ब्रांड का देखना है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का देखना है, मैं डेफिनेटली उसकी टॉप पिक्स आपके लिए बनाऊंगी. इन सबके अमेजोन के लिंक नीचे आपको मिल जाएंगे. अमेजोन की अभी ग्रेट फ्रीडम डे सेल चल रही है जो अभी 11th अगस्त तक है, तो आपको सब पर बहुत अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे. यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड शॉप. बाय बाय.